क्या तुमको नहीं लगता कि एंटमैन क्वांटमेनिया का कैंग आगे चल करके ही हु रिमेंस बनेगा, जिसको हम लोगों ने लोकी सीरीज में देखा था जहां वो पूरे टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहा था। तो हमने देखा था एंटमैन में जब जेनेट कैंग के शिप को टच करती है तो उसको एक विजन नजर आता है जहां वो देखती है कि कैंग बहुत सारे ट्रिलियंस पीपल को मार रहा है, मास मैसेकर कर रहा है, जहां कैंग मल्टीवर्स में अलग अलग टाइमलाइन में जा करके तबाही मचा रहा है। अगर तुमने लोकी सीरीज देखी होगी जहां लास्ट में कैंग बोलता है कि वो पहले बहुत गलत काम कर चुका है, अब वो उसका पश्चाताप कर रहा है। एंड एंटमैन मूवी के लास्ट में देखते हैं कि मूवी वाला कैंग एक पावर सोर्स के अंदर चला जाता है, वही पावर सोर्स जिसके मदद से वो टाइमलाइन मल्टीवर्स में कहीं भी आराम से ट्रेवल कर सकता था। तो सोचने वाली बात यहाँ ये है कि वो पहले से क्वांटम रियल्म में है और उससे भी छोटे जगह वो चला गया है, मतलब वो किसी और डायमेंशन में चला गया हो या फिर कहीं और टाइमलाइन वो टेलीपोर्ट हो गया हो। और अगर तुम लोकी सीजन 1 के पोस्ट क्रेडिट को ध्यान से देखोगे तो वहां पर तुमको कैंग का स्टैचू नजर आता है। अगर तुम उसी स्टैचू के फेस को गौर से देखोगे तुमको वहां पे कैंग का स्कार नजर आएगा, सेम स्कार सेम मार्क जैसा तुमको एंटमैन के कैंग के ऊपर था। तो यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि मूवी वाला कैंग जब पावर्स में चला गया हो तो वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गया हो किसी और यूनिवर्स में, किसी और टाइमलाइन में, जहाँ वो लोकी सीजन 1 के पोस्ट क्रेडिट जाके कनेक्ट हो रहा हो। पर बात यहाँ रही कि मूवी वाला कैंग कैसे ही हू रिमेंस से कनेक्ट होगा, तो मुझे लगता है कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बिकॉज हमने ही हू रिमेंस के फेस पे कोई मार्क नहीं देखा जैसा कैंग के ऊपर था। तो ये अभी कहना मुश्किल है कि मूवी वाला कैंग ही हू रिमेंस है या नहीं। या फिर एक और पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बंदे ने अपने फेस का स्कार हटा दिया हो, बिकॉज जो बंदा पूरे मल्टीवर्स टाइमलाइन को कंट्रोल कर सकता है वो एक फेस का स्कार नहीं हटा सकता है। और लोकी में ही हमने देखा था कि ही हू रिमेंस एक बात बोलता है अपने लोकी को और सिल्वी को कि उसने मल्टीवर्सल वार को रोका था और तब जाके वो इकलौता कैंग बचा था और सब चीजों पे वो रूल करने लगा, सबको कंट्रोल करने लगा टाइमलाइन मल्टीवर्स को। तो देखो यहाँ पे एक और थ्योरी निकल के आती है कि एंटर मूवी में जो कैंग था जो पावर से चला गया था, जो कि पहले से क्वांटम रेल में था, जो इतनी छोटी सी जगह है और उसके अंदर भी तुम जाके और भी छोटा हो जा रहे हो, तब तुम सोच रहे हो कहाँ निकल रहा है, वो किसी और डायमेंशन में निकल रहा होगा। और मूवी में हम जेनेट को कैंग को आपस में बात करते हुए देखते हैं, कैंग ने बहुत सारे डायमेंशन में जा जा करके मैसेकर किया था, बहुत लोगों को मारा था, तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि वो पावर सोर्स की मदद से किसी और डायमेंशन में निकल गया हो और ये चल के आगे सीक्रेट वॉर से कनेक्ट हो रहा हो। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि इनकर्जन के कारण दो अर्थ आपस में कोलाइड होने लगती है। तो मेरे को यहाँ ऐसा लगता है कि जहां पोस्ट क्रेडिट में देखे थे काउंसिल ऑफ कैंग्स, बहुत सारे कैंग्स थे, वो सबका पता कर दूंगा एवेंजर कैंग डायनेस्टी में हो जाएगा। बिकॉज जो मूवी वाला कैंग था जो किसी और डायमेंशन में चला गया था, वो हेल्प करेगा अपने सुपर हीरोज को उनको मारने के लिए। जब ये एंटमैन वाला कैंग सुपर हीरोज के साथ मिल करके काउंसिल ऑफ कैंग को खत्म कर देगा, तभी इकलौता कैंग बचेगा और फिर अपने सुपर हीरोज को रियलाइज होगा कि ये सबसे बड़ा हरामी कैंग तो ये बच ही गया जो सबके पीछे ये था। तो यही चीज तुमको आगे चल के तुमको सीक्रेट वॉर से कनेक्ट हो सकती है, जहां हमको डॉक्टर डूम में देखने को मिल सकता है। बिकॉज जब कैंग पावर सोर्स में गया था वो किसी और डायमेंशन में गया हो तो उसको वहां पर डॉक्टर डूम मिल सकता है। और हम जानते हैं कि सीक्रेट वॉर इनकर्जन के कारण ही होता है। हाँ मैं जानता हूँ ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग बात हो गई, लेकिन अपन सुपर हीरो फैन है, थ्योरीज बनाना अपना ही काम है। एक बात तुम सोच के देखो, अगर एंटमैन में जो कैंग हमने देखा था अगर वही चल के ही हू रिमेंस बनता है तो एक लूप क्रिएट हो जाएगी, जहां मूवी वाले कैंग की वजह से मल्टीवर्सल वार शुरू हुआ था वहीं ही हू रिमेंस की वजह से वो चीज रुक गई थी। एंड मूवी वाले कैंग के ऊपर हमें कोई बैक स्टोरी नजर नहीं आई कि वो इतने सारे मैसेकर क्यों कर रहा था, तो इसके रिलेटेड मेरे पास थ्योरी है। तो देखो किसी और टाइमलाइन में, किसी और मल्टीवर्स में कैंग का अपना प्लेनेट होगा, तो इनकर्जन की वजह से वो तबाह हो गया होगा और वो तबाही के पीछे अपने काउंसिल ऑफ कैंग्स होंगे, तो ये मूवी वाला कैंग उनसे बदला लेना चाह रहा होगा, तो वो काउंसिल ऑफ कैंग मिल के बातचीत करके ये मूवी वाले कैंग को बेदखल कर देते हैं, तब ये कैंग पर निकलता है टाइमलाइन को तबाह करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए। एंड मूवी वाला कैंग एक बात ही बोलता है जेनेट को, उन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, तो इस चीज की पॉसिबिलिटी मुझे नजर भी आ रही है। भाई ये वीडियो बनाते बनाते मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, अब हो भी क्यों ना, इतने सारे कैंग से होना भी लाजिमी है। खैर तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है इन सारे थ्योरीज के ऊपर, अगर तुम्हारा भी कोई फैन थ्योरी हो तो कमेंट बताना, हम बैठ के डिस्कस करेंगे। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अपना स्पाइडरमैन कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स को लीड करेगा, तो उसके ऊपर भी जल्दी हम लोग बात करने वाले हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमैटिक फर्स्ट।